अरे नहीं, ये
तुम्हारी सच्चाई, मेरी सच्चाई, हम सबकी सच्चाई है। वो कैसे? नुक्कड़ नाटक के जरिए। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। जी कितनी गर्मी है यहाँ पे, कहने को तो सब पढ़े लिखे बनते हैं लेकिन कूड़ा भी सभी फैला देते हैं। चलो मैं भी फेंक देती हूँ, इतना तो चलता है, क्या होगा इस देश का। हाय अंशी। हाय मैडम। कैसी है? मैं बढ़िया। और हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया क्लास में? हाँ यार हो गया। अरे यहाँ कितनी गर्मी है, रुक मैं तुझसे पानी पी के बात करती हूँ। अरे ये डस्टबिन तो भरा हुआ है, चलो बाहर ही फेंक देते, इतना तो चलता है। आप बता क्या करें? यार मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम ना सफाई करते हुए फोटो क्लिक करते हैं, उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे। लाइक्स ही लाइक्स। बहुत बढ़िया भाई, चल मिलते हैं। अरे वाह, स्वच्छता के ऊपर इंस्टा पे एक पोस्ट आई है, लाइक तो बनता है, चलो लोगों को तो ध्यान है स्वच्छता का। सुनो भाई सुनो, सुनो सुनो, सुनो भाई सुनो सुनो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इनाम अच्छे कार्यों के लिए मिला है और तुम यही गंदगी फैला रहे हो। कार्यक्रम फीका फीका सा लग रहा है क्योंकि उस पे धूल की, धुएं की, अरे पॉल्यूशन की चादर सी बिछ गई है। इसी स्थिति पर सर जी एक गीत लिखा है बहुत दिल से, कि गीत कुछ ऐसा है, आसमान में धूल की चादर, आसमान में धूल की चादर, गंदगी से भरा है सागर, गंदगी से भरा है सागर, हर इंसान से डर है लगता, हर इंसान से डर है लगता, लाखों रोग रखे हैं पाले, लाखों रोग रखे हैं पाले, साफ हवा के पड़ गए लाले, साफ हवा के पड़ गए लाले। अरे खास खास कर बुरा है हाल, खास खास कर बुरा है हाल, आंखें जल के हो गई लाल, आंखें जल के हो गई लाल। अरे कुछ तो रहम कर दे भाई, सपना है कि हमारा देश एक स्वच्छ भारत के नाम से जाना जाए। तो आज इस स्कूल में ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो हमारे इस स्कूल के बहुत ही सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, मैनेजमेंट
कमेटी के सभी सामान्य सदस्यगण और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर हमारे छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये इस पब्लिक स्कूल के द्वारा आयोजित किया गया है और जो यहाँ पर अभी बच्चों ने जो नाटक के जरिए एक संदेश दिया, तो मैं जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो इतना जरूर है कि इनके घर में इनके परिवारों में प्रधानमंत्री जी का संदेश इन कार्यक्रमों के माध्यम से जरूर पहुंचेगा और एक जागरूकता आएगी। एक्चुअली हम सब एक स्वच्छ वातावरण में सांस लेना चाहते हैं। आई थिंक सभी की इच्छा ये रहती है कि हमारा आसमान साफ हो और हम साफ वायु में सांस लें। हम टाइम टू टाइम अपने बच्चों को ये सिखाते रहते हैं कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट उनके घर में निकले तो उसे वेस्ट ना कहा जाए, उसको वो किसी यूजफुल चीज में यूज कर ले, उसका कुछ वो ऐसा कुछ बना सके जिससे वो या तो कुछ डेकोरेशन की चीज बना सके या कुछ महत्वपूर्ण वस्तु बना सके। जो मैं कहूँगी नगर निगम का आपका ये जो मुझे देखने को मिला कि कबाड़ से जुगाड़, इट्स नॉट विदेशन लॉट ऑफ जुगाड़ आउट ऑफ देयर कबाड़, तो ये कबाड़ नहीं रह गया, ये तो एक बहुत कुछ यूजफुल बन गया।